हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछ मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन जहाँ कि आप मानकर ओटीटी एग्जाम एंड जेटी एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। तो आप माने समस्त जानते आप ओटीटी एग्जाम डेट ऑलरेडी आसी जाइछ आप मानकर जून 23 तारीख रे ओटीटी एग्जाम होगा को जाउछि सेति पई ए वीडियो टी इंपोर्टेंट रहिबो। आ ता सहित आप मानकर जूनियर टीचर एग्जाम रो नोटिफिकेशन मध्यो एही मास रे ही आसीबो, एही मास शेष सुधा आसीबो, सेति पई इंपोर्टेंट रहउछि। जूनियर टीचर आ ओटीटी रो एग्जाम रो सिलेबस सेम रहउछि। ऑलरेडी मु जूनियर टीचर सिलेबस आपन को देखै सारिछि, वीडियो क्लासेस करि सारिछि, आपन देखि पारिबे। तो सेति पई आपन जो माने भी जेटी एस्पिरेंट्स अछन्ति से माने एबटे प्रिपरेशन करन्तु। ओटीटी एंड जेटी रो पेडागोजी सेम रहउछि, सेति पई आपन इंपोर्टेंट रहइबो। ये होछि क्लास नंबर सेकंड, एथरे हम डिस्कशन करिबा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम क्वेश्चन सब रही जहाँकि आप एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही। आ कि आप यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम रो क्वेश्चन लेके आसी। तो देखिबा प्रथम क्वेश्चन रही आप हु एमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड ऑल पर्सनालिटीज इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। से कहे को साइकोलॉजिस्ट आमर पर्सनालिटी को दुई भाग रे डिवाइड करछथि, एक होची इंट्रोवर्ट आ गोटे हूँ एक्सट्रोवर्ट। तो किए यू डिड करिए डिड कर तो चार्ट ऑप्शन रही। डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी आप करेक्ट आंसर हो कार्ल जंग। कार्ल जंग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज बीएड एंट्रेंस टेस्ट। से कहे व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज बीएड एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम रे आसीथिबा क्वेश्चन। तो बीएड प्रवेशिका परीक्षाटा क्यों प्रकार मूल्यायन मु ऑलरेडी आपन को बहुत थर कही जेकोसी भी एंट्रेंस टेस्ट हो आप बीएड हो सीटी हो ओटीटी हो कि ओएसटीटी हो सब गोटे गोटे आपर एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट यही एंट्रेंस टेस्ट को कौन कहुए ना एगुड़ा कौन कौ टाइप इवैल्यूएशन एगुड़ाक प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन व्यवस्थानमूलक परीक्षण अटे। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन। बीएड ओटीटी सीटेट सीटी ओएसटीटी सब गुड़ाक प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य क्योंटी सृजनशीलतार सूचक नुहे से पचार व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रो कोटा गोटे इंडिकेटर नुहे पचारी। चारिट ऑप्शन रही डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखु क्रिएटिविटी रो इंडिकेटर बा सूचक होउची तापा क्रिएटिविटी रे कौन रोचे ना ओरिजिनालिटी रोची फ्लेक्सिबिलिटी रोची आउ डाइवर्जेंट थिंकिंग रोची अपसारी चिंतन किंतु कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी अंडर रे रहे ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कन्वर्जेंट थिंकिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग सो पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर सिस्टम आईडी द ईगो एंड द सुपर ईगो। तो से कहे जे आमर जो रही ईगो सुपर ईगो एंड आईडी इड ए जो कौन एगुड़ाक किए दे टर्म गुड़ा किए देती तो युवा किए कहते एगुड़ा आप मानक सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रेउड बा फ्रॉयड आम कहीपर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सिगमंड फ्रॉयड। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तकर लेखक किए रचयिता किए। तो देखु प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तकर रचयिता होती विलियम जेम्स। विलियम जेम्स से कौटिकार साइकोलॉजिस्ट से जड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम पचार ओटीटी एग्जाम प्रीवियस एग्जाम पचार विलियम जेम्स इज डैश से देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रशियन साइकोलॉजिस्ट जापानीज साइकोलॉजिस्ट एमती फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट दे थो। तो ये आप करेक्ट आंसर हो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट मन रखुद एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही। तो विलियम जेम्स लिखिंट प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेम वन पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी से कहे एम किए आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा ह्यूमनिस्टिक परसेप्टिव पर्सनालिटी को किए कंट्रीब्यूट कर ह्यूमनिस्टिक अप्रोचर जनक किए तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी थ्योरी देखते किए आप अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स ये दुज देखते दुज देखिए ऑप्शन कौटा अच्छी ऑप्शन अच्छे कार्ल रोजर्स तो कार्ल रोजर्स मारा जदि आप अब्राहम मास्लो देता अब्राहम मास्लो करते आप दुटा ऑप्शन रोचे मे बी अब्राहम मास्लो दे पारे मे बी कार्ल रोजर्स दे थो तो ये दुज जाक होती ह्यूमनिस्टिक अप्रोचर जनक तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय से कह सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देते यू किए अल्फ्रेड बिनेट अल्फ्रेड बिनेट ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग तो देखो लर्निंग थ्योरी एम किए देना लर्निंग थ्योरी एम कौ साइकोलॉजिस्ट देना तो देखो लर्निंग थ्योरी आम क्लार्क हॉल देखते टोलमैन देखते थॉर्नडाइक देखते किंतु सलिवान लर्निंग थ्योरी देना तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सलिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फ्रेज एट व्हिच ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ गिवन एप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट इज नोन एज तो से कहे जदि गोटे पिला को उपयुक्त साहाज्य एवं सहयोग मिल पार ताहले से जेकोसी भी जिनस मास्टर हो पार एक्सपर्ट बनी पार तो सेटा को कौन कहुए से कौन कहुए ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोली कहुए जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यू किए देते ये कि आम लेव वाइगोर्स्की लेव वाइगोर्स्की देते एग्जाम पर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप रही कलम दे कलम बी दे मैच करा से कही एनिमल इंटेलिजेंस रही स्केड्यूल ऑफ रीइन्फोर्समेंट रही लॉ ऑफ प्रेग्नेंस रही अडाप्टेशन रही एपट रही गेस्टार्ट पियाजेट थॉर्नडाइक स्किनर तो ठीक क्रमटा आम किए कौन देखते से पचार इटे से पचार तो देखु एनिमल इंटेलिजेंस वाज गिवेन बाय एनिमल इंटेलिजेंस आम किए देखते एनिमल इंटेलिजेंस को देखते किए एनिमल इंटेलिजेंस वाज गिवेन बाय थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक देखते तो आप मैंने कौन हम ए हम आप कौन ना चार हो सरी ए हम तीन तीन हो ए आप कौन है ना तीन है एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक देखते आउ रीइन्फोर्समेंट सुनने मैंने से ऑपरेंट कंडीशनिंग आम स्किनर तो बी हो गला आप चार रहा कौन जे लॉ ऑफ प्रेग्नेंस ये आम गेस्टाल्ट थ्योरी सहित जाने तो ऑप्शन नंबर सी हो गला एक सी हो गला एक अडाप्टेशन टा देखते किए आम जीन पियाजेट देखते तो डी हो गला आप दुई तो ये कौट अच्छे ऑप्शन रे आप देखते ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे तीन तापर चार तापर एक तापर दुई तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर एग्जाम पर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होम ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी एम भितर किए लर्निंग थ्योरी देना स्किनर कोलर थॉर्नडाइक ब्लूम तो देखो स्किनर तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आम लर्निंग थ्योरी कोहलर देखते आप इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक देखते आम ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किंतु आप बीएस ब्लूम से लर्निंग थ्योरी देना सी टैक्सोनॉमी गुड़क कैटेगरी वाइज ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम इज नॉट प्रोपाउंडेड हैज नॉट प्रोपाउंडेड लर्निंग थ्योरी ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही थ्रो व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
एजुकेशन हाज बिकम फंडामेंटल राइट्स। से कहि आमर भारतीय संविधान को आमेंडमेंट अनुजाई आमर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स रे अधिकार मिलला, मौलिक अधिकार मिलला, फंडामेंटल राइट्स रे एजुकेशन आसला को आमेंडमेंट रे से पचारी को आमेंडमेंट रे। तो करेक्ट आंसर होछ ऑप्शन नंबर बी 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन एंडेड आइटम, कोटा ओपन एंडेड आइटम नुहे से पचारी कोटा मुक्त उत्तरमूलक नुहे बोली पचारी। व्हिच गैस इज रिलीज्ड बाय ए ट्री ड्यूरिंग डे टाइम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, राइट द यूज ऑफ वाटर, हाउ ए पीस ऑफ कलर पेपर कैन बी यूज। तो कोटा आमर मुक्त उत्तरमूलक नुहे से पचारी। तो देखु राइट ए यूज ऑफ वाटर, पानी रो जल रो उपयोगिता कौन यहाँ लिखे ना आम बहुत गुड़ा हे आप निज माइंड रू जहाँ आम लिखिपर जल रो कौन कौन आवश्यक कौन कौन जल आम कौन यूज होटा आमर बहुत बड़ हो तो यहाँ आप ओपन एंडेड अटे। आउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, रूट्र काम कौन मूलर काम कौन यार बहुत गुड़ाए लिखा पड़े यहाँ ओपन एंडेड रही। आउ हाउ ए पीस ऑफ कलर पेपर कैन बी यूज, कलर पेपर केमी आम यूज कर पार तो यहाँ ओपन एंडेड रोच किंतु आमर गच्छ दिन बेला केतोटा गैस रिलीज कौ गैस रिलीज करें जान कौ गैस रिलीज कर गैस नौ आमर कौन अंगारकाम्ल गैस को नौ अम्लजान गैस को रिलीज करुच्छे अंगारकाम्ल गैस को सी नौ अम्लजान गैस को सी रिलीज कर तो यहाँ ओपन एंडेड नुह कौटा आमर नॉलेज बेस्ड माइंड मन रखि थे यहाँ कहवा कथा तो यहाँ आप ओपन एंडेड आइटम नुह। तो ऑप्शन नंबर ए हिज करेक्ट आंसर, व्हिच गैस इज रिलीज्ड बाय ए ट्री ड्यूरिंग डे टाइम इज नॉट एन ओपन एंडेड आइटम। यहाँ गोटे आप कौन ना आमर यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आस जाऊँगा ओपन एंडेड नुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हेन ए टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन दैट क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज नोन एज। तो से कहि जे गोटे टेस्ट आमर इंडिविजुअल एबिलिटी आमर व्हेन ए टेस्ट मेजर्स गोटे टेस्ट आमर मेजर करछि आमर एबिलिटी आमर दक्षता कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन दैट क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज नोन एज। से क्वालिटी कौन कहा जाए से पचार कंसिस्टेंटली व्हाट आसी कंसिस्टेंटली व्हाट आसी माने आप जानते स्थिरता स्थिरता माने आप मानकर रिलायबिलिटी आसुच्छे ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट रही सिग्नल लर्निंग इज कॉमनली टर्म्ड एज, सिग्नल लर्निंग को साधारणतः कौन कहा जाए कॉमनली कौन बोली कहा जाए। तो करेक्ट आंसर होची क्लासिकल कंडीशनिंग बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ओटीटी एग्जाम आसी 2022 रो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू डैश, ये क्वेश्चन 2022 आमर जो फास्ट ओटीटी आसा तो इमोशन इज ओरिजिनेट थ्रू डैश तो इमोशन आमर जो ओरिजिनेट है कहा का थ्रू से पचार तो ये आम इंस्टिंक्ट रू आमर ओरिजिनेट है इंस्टिंक्टर ओडिया हूँ प्रवृत्ति तो इमोशनल इज ओरिजिनेटेड थ्रू इंस्टिंक्ट्स ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ द रेफरेंस टू एडोलेसेंस, से कहि एडोलेसेंस कैशोर अवस्था सहित कौ स्टेटमेंटा करेक्ट नुहे से पचारी तो एडोलेसेंस सहित कौटा करेक्ट नुह से पचारी सैड ऑप्शन रही मेनी न्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस आर ऑब्जर्व दिस एज इज हाइली इमोशनल intellect tries to reach its extreme limit, self consciousness is reduced। तो देखंतु adolescence माने कैशोर अवस्था साधारण आमर 12 रु 19 वर्ष किशोर अवस्था बा कैशोर अवस्था ए समय रे आमर मेनी न्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज होउछ आमर शरीर बहुत गुड़ाए चेंजेस हो शरीर साइज एंड शेप रे चेंजेस हो इंटरनल चेंज हो एंड बाहर भी चेंज हो बाहर एंड भितर आम शरीर बहुत गुड़ाए चेंजेस हो 12 रु 19 एज यहाँ हूँ आम एडोलेसेंस ए समय आम बहुत गुड़ाए चेंजेस होमर सेक्सुअल मेच्युरी हो टाइम आमर अर्गान गुड़ाक आमर ये होगी आप मानकर हाइली आमर आम
फ्यूचर कैरियर विषय आम चिंता करिवर आम स्टार्ट कर दे समय भाग्य चिंता मध्य आसी जाउछि तो बहुत गुड़ा आमर ये चेंजेस होता सहित आपर हाईली इमोशन एज रे आमर इमोशनालटा हाई हो जात आपर इंटेलेक्ट ट्राए टू रिच इट्स एक्सट्रीम लिमिट आम आमर बौद्धिक विकास बहुत गुड़ाए आमर होता है आम आब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग आम डेवलप हो जाए तो यहाँ यहाँ ठीक होनटा जाक आम करेक्ट अटे किंतु सेल्फ कॉन्शियसनेस इज रेड्यूस रेड्यूस केबे हुए ने सेल्फ कॉन्शियसनेस माने आत्मचेतना आम आत्मज्ञान आम से समय रेड्यूस ना वृद्धि होता है तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सेल्फ कॉन्शियसनेस इज रेड्यूस रेड्यूस नहीं एटा आमर ग्रोथ होता है यहाँ रेड्यूस नहीं आप बढ़ी था इनक्रीज होता है तो ये रेड्यूस देखिए आपनर यहाँ इनकरेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड तो चाइल्डहुड कौटा गोटे कैरेक्टर नुहे से पचार तो कौटा गोटे कैरेक्टर नुहे एक्सट्रीम ग्रेगरियसनेस lack of curiosity, stability in growth, participation in group and games. कौटा तार लक्षण नुहे चाइल्डहुड रोटा कैरेक्टर नुहे से पचार तो करेक्ट आंसर जीव lack of curiosity. तो देखु चाइल्डहुड आमर शैशव अवस्था आमर जो बाल्यवस्था समय चाइल्डहुड मान बाल्यवस्था समय आमर विभिन्न जिनस विषय जानवर क्यूरीयोसीटी रही है आम जब छोट था चार पांच वर्ष छुआ था तो से कौन ना आम बापा माँ को पचार यहाँ कौन या खाइले कौन हम कौन हम यहाँ केमी हो विभिन्न आम प्रश्न आम मनरे उकी मारे आम विभिन्न क्वेश्चन बहुत प्रकार पचारि थाए कहीं आम मनरे क्यूरीयोसीटी थाए बहुत क्यूरीयोसीटी थाए क्यूरीयोसीटी मान कौतूहल कौतूहल तो माने आमर उत्साह थाए आमर किसी बहुत किसी जानापी आम इंटरेस्ट थाए से आम क्यूरीयोसीटी रही है तो यहाँ लैक ऑफ क्यूरीयोसीटी माने कौतूहल अभाव तो यहाँ आम क्यूरीयोसीटी अभाव नुह क्यूरीयोसीटी ये आम हाई रही है आमर बहुत क्यूरीयोसीटी थाए लैक नुह अभाव नुह यहाँ लैक देखिए आप तार कैरेक्टर नुहे तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस ए क्वेश्चन टा 2016 रे आसीथिला 2016 ओटीटी एग्जाम रे आसीथिला से कोची आमर जो एडगार डेल देछनी कोन ऑफ एक्सपीरियंस सेथरे तांकर जो देछन सेथरे टॉप रे कोडा रहिछ एडगार डेल को जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस रहिछ सेथरे टॉप कोन ऑफ एक्सपीरियंस 6टा लेवल अछि सेठी टॉप रे कोटा अछि से पचारिछ टॉप्रे कौटा रही टॉप्रे रही आमर वर्बल सिंबल रही जहाँ को टेक्स्ट कौन ये टॉप्रे रही तल को आप रोचे विजुअल सिंबल रोच जहाँ को विजुअल सिंबल रोच तो सी पचार आमर जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस रही डेल को ये बहुत गुड़ाए लेवल अच्छी तो सब हाई लेवल रही वर्बल तल को अच्छी विजुअल तो ये आम टॉप्रे कौटा अच्छे पचार टॉप्रे अच्छे आम वर्बल सिंबल बा टेक्स्ट सिंबल तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू मोटर लर्निंग तो मोटर लर्निंग सहित कौटा रिलेटेड नुहे से पचार मोटर लर्निंग सहित कौटा रिलेटेड नुहे तो मोटर लर्निंग देखो चार ऑप्शन रही ड्रॉइंग इमिटेशन साइक्लिंग टाइपराइटिंग तो मोटर लर्निंग माने आम मांसपेशी द्वारा जो काम होटा मोटर लर्निंग कह जाए तो देखो तो ड्रॉइंग ड्रॉइंग करने आम को पेंसिल हाथ में धरी करा पड़ो तो हाथ में आम यूज आउ साइकिलिंग साइकिल चलने गोड़ में आम पेडल मार गोड़ गोड़ यूज हो टाइपराइटिंग टाइपराइटिंग आम टाइप कीबोर्ड में आम टाइपिंग करवा आंगूठी द्वारा तो आंगूठी आम मांसपेशी यूज हो तो टाइपराइटिंग आउ ड्रॉइंग ये दुटार आम सूक्ष्म मांसपेशी गुड़ाक यूज होगा कौन कह जाए युवाक आपर फाइन मोटर स्किल कह जाए आउ साइकिलिंग साइकिल चलेबा रनिंग करवा जंपिंग करवा ए गोड़ 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 दरकार पड़ी गोड़ आम यूज हो गोड़ गुड़ाक आम बड़ मोटर स्किल तो ये आपर ग्रॉस मोटर स्किल रे जाउछ जोटा सूक्ष्म मांसपेशी हो यूज होता हूँ फाइन मोटर स्किल आउ जोटार आम बड़ बड़ मांसपेशी यूज होता हूँ ग्रॉस मोटर स्किल तो मोटर स्किल तो आप मोटर लर्निंग कोडा आम रही ना ड्रॉइंग रे जाउछि साइक्लिंग टाइपराइटिंग ये तीन टाइप आम मोटर लर्निंग अंडर जाउछि किंतु इमिटेशन इमिटेशन मान अनुकरण करिबा
इमिटेशन रे आमर मोटर स्किल रो कोनोसी मोटर लर्निंग रो कोनोसी रिलेशन नाही। तो ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर, इमिटेशन नॉट रिलेटेड टू मोटर लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे छी, व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन मानसिक विकृत पिला माने करो आईक्यू केते से पचारी, आईक्यू बुद्धियांको केते थाए। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्रो आईक्यू लेस देन 75 थाए, 75 रु तळ को थाए। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर, लेस देन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, एट व्हिच एज डेवलपमेंट ऑफ फियर अकर्स इन ए बेबी। से कहि गोटे बेबी गोटे शिशुर केते बयस बयस केते एज रे तार भयटा डेवलप होता है, गोटे शिशुर के को एज रे तार भयटा डेवलप होता है। तो करेक्ट आंसर हो 6 मंथ, छ मास हेला परे तार भयटा डेवलप होता है, तार भय बा आमर फियरटा डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट रहिछि, फॉर व्हिच स्टूडेंट्स एनरिचमेंट प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड। से कहि एनरिचमेंट प्रोग्राम, एनरिचमेंट प्रोग्रामटा को स्टूडेंट मानक पई उपयोगी अटे। तो कॉमन स्टूडेंट रहिछि, गिफ्टेड स्टूडेंट, बैकवर्ड स्टूडेंट, नन ऑफ दिस। तो देखंतु एनरिचमेंट प्रोग्राम गुडाक गिफ्टेड स्टूडेंट मानक पई कंडक्ट करा जाय। ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चनटा मोस्ट इंपोर्टेंट, ए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आपन आसीछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच स्टेप इज टेकन फॉर गर्ल एजुकेशन इन आवर स्टेट। से कहि आम स्टेट रे बालिका मानक शिक्षा पई गर्ल्स मानक एजुकेशन पई कौन कौन स्टेप निया जाय छि, कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, केजीवीपी नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट प्राइमरी लेवल बा एलिमेंटरी लेवल, ता ऑल ऑफ दिस। तो कौन हम करेक्ट आंसर से पचार। देखु आमर ओडिशा रे गर्ल्स एजुकेशन पाई बालिका मानकर शिक्षा पाई आमर गर्ल्स हॉस्टल तैयार करा जाइछि, आपण जानिछते गर्ल्स हॉस्टल अछि। ता सहित आमर केजीबीपी मध्ये करा जाइछि, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मध्ये करा जाइछि। ता सहित आपनकर एलिमेंटरी लेवल रे गर्ल्स मानकर एजुकेशन पाई विभिन्न प्रकार नेशनल प्रोग्राम मध्ये आमर लॉन्च करा जाइछि। तो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हिज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव बा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। यही जो चारिटा टीचिंग रहिछि, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, माक्रो टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, कोटा स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन से पचारिछि। तो स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन हो आमर कोटा ना माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, ए गुड टीचर मस्ट बी, जड़े भल शिक्षक मस्ट बी कौन है दरकार। ए गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, रिसोर्सफुल ऑथोरिटेटिव, ना रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट। तो गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव होगा दरकार। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन से पचारी, टू गिव इनफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू डिटेक्ट नोट्स टू स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन। से कहि जे आमर जो रही टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन से पचार। तो टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव होची टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट रो थिंकिंग पावर को डेवलप करबा होची टीचिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय। ए स्टेटमेंट किए दे से पचार, स्टेटमेंट को दे किए स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, ए गुड टीचर इटा ए गुड टीचर इज वन हु इज। तो से कहि ए गुड टीचर इज वन हु इज। त
तो क्या गुड टीचर कहवा क्या आमें भल शिक्षक कह गिव्स यूजफुल इनफर्मेसन जी आमर यूजफुल इनफर्मेसन दौची ना एक्सप्लेन कनसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स कनसेप्ट एंड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन जी करुच्छे सी भल शिक्षक ना गिव प्रिंट एंड नोट स्टूडेंट स्टूडेंट मानक प्रिंट आउट करके नोट दौची ताक भल शिक्षक कह ना इन्स्पायर स्टूडेंट टू लर्न ना आमर पाने इन्स्पायर कर शिक्षापाई तो क्या गुड टीचर कह ए गुड टीचर वन हु इज इन्स्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न पिला पढ़ाक इन्स्पायर करवा हूँ जड़े गुड टीचर रो लक्षण आउ ताकु ही गुड टीचर कह उत्तम शिक्षक क्या कह जे पिला पढ़ाक इन्स्पायर करुच्छे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इन्स्पायर टू इन्स्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकुलेट इन स्टूडेंट इज से कौचि आमर वैल्यू एजुकेशन रो एम कौन इनकुलेट कर स्टूडेंट रो कौन इनकुलेट कर कौन कर ना मोरल वैल्यूज को इनकुलेट कर मोरल वैल्यूज को इनकुलेट कर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड मैन इज परफेक्ट एंड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द एग्जिटिंग मैन यही स्टेटमेंटा किए दे सेम आमर यहाँ देखते विवेकानंद स्वामी विवेकानंद सेटा टिके मोडिफाय करके पचार क्वेश्चन को खाली टिके मोडिफाय करके अन्य अन्य ईयर रे आपर पचार ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन रही एससीईआरटी वाज एस्टाब्लीश्ड इन आमर एससीईआरटी एससीईआरटी टा आपर एस्टाब्लीश केबे हेतिला स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आमर जो एससीईआरटी एटा अपन 1988 रे न्यू दिल्ली ठार आमर एस्टाब्लीश हेतिला न्यू दिल्ली रे एस्टाब्लीश हेतिला 1988 नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपगेटेड बाय प्रोजेक्ट मेथड को किए आमर प्रस्तावित करते किए देते यहाँ देखिए आमर कौन किए देते आपर ये करेक्ट आंसर जी किलपैट्रिक डब्ल्यू एच किलपैट्रिक विलियम हियर्ड किलपैट्रिक आमर प्रोजेक्ट मेथड को देते ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर किलपैट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग से कहते ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लो युवाक कहार कंपोनेंट अटे कहार उपादान अटे ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी युवाक आपर क्रिएटिविटी कंपोनेंट अटे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर क्रिएटिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर पर्पोज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट आइडेंटिफाइंग तो से कौन आम डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण जो करा तार मेजर पर्पोज कौन मुख्य उद्देश्य कौन आइडेंटिफाई करिबा तो देखु कौन आइडेंटिफाई करिबा तार मेन पर्पोज हूँ तो करेक्ट आंसर आपर ऑप्शन नंबर सी द कॉजेस ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज द कॉजेस ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज ऑप्शन नंबर सी हो सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रेन लव दोज टीचर्स हु डैश से कहि जे पिला माने को भलिया टीचर को भल पाती टेक्स टीचिंग सीरियसली आर वेरी लिबरल आर केयरिंग एंड सिंसर आर हाईली डिसिप्लिन्ड जो माने बहुत डिसिप्लिन रुहंती से टीचर को पिला माने भल पाती ना जो माने लिबरल पिला माने को फ्री छाड़ स्वाधीनता दे दौंस पूरा ताकू भल पाती ना जो टीचर सीरियसली टीचिंग उपरे ध्यान दौंस बट सीरियसली से टीचिंग उपरे फोकस कर भल कहते ना जे पिला माने करो केयर नियंती एम सिंसियरली रहंती ताकू पिला माने भल पाती को टीचर को पिला भल पाती तो जो टीचर माने पिला मानकर केयर नियंती जत्न नियंती से मानको विषय बुझंती कौथरे कौन अभाव अच्छे तोर शरीर केमती अच्छी आ पढ़ापढ़ी केमती चलती कौथरे विकनेस रही ये सब टेक्निक पिला मानको पचार केयर नौ सिंसियरली रोचंती पिला माने से टीचर मानको पिला माने भलो पांती तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कहीं पिला मानको केयर नबा पिला मानको सांग भलिया जदि आमे जदि रेस्पेक्ट करबा पिला मानको सांग भलिया आमे जदि बिहेव करबा ताले से माने से टीचर को ही भल पाइबे आद्वारा पिला मानक निजर मनर भय दूर हो जहाँ भी किसी तार डाउट रोचे से पचारि पार तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्वेन द लर्नर इज प्रिपेयर्ड टू लर्न रेफर्स टू से कौन लर्निंगटा टेक् प्लेस ओनली व्वेन लर्नर इज प्रिपेयर्ड तो से कौन जदि गोटे पिला पढ़ापी प्रस्तुत अच्छी से समय जो आम शिक्षा देवा तो लर्निंगटा आमर इफेक्टिवफुल हो पार तो यहाँ आमर क्या बेस करके पचार क्या रेफर कर आमर लॉ ऑफ रेडीनेस को रेफर कर लॉ ऑफ रेडीनेस माने प्रस्तुति नियम लॉ ऑफ रेडीनेस माने कौन ना जिते पिलाटे पढ़ा प्रस्तुत अच्छा रेडी अच्छी से ही समय पढ़ेगा तो आम शिक्षाटा फलप्रद हो पार यहाँ हूँ लॉ ऑफ रेडीनेस ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सोशल इंट्राक्शन लैंग्वेज एंड द सोशल कंटेक्स्ट ऑल प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लर्निंग दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ से कौन सोशल इंट्राक्शन लैंग्वेज सोशल कंटेक्स्ट एगुड़ाक सब गुड़ा किए देखते ये सोशल इंट्राक्शन लैंग्वेज सोशल कंटेक्स्ट ए वार्ड सुन मात्र के आप मारे वाइगोट्स की देखते वाइगोट्स कंस्ट्रक्टिविज्म आसूँ ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप लर्निंग एडवांटेज कौन तो देखते यहाँ आमर आर एच टी एक्जाम क्वेश्चन सी एच टी आर एच टी एक्जाम आप आर एच टी एक्जाम आगू अच्छी इम्पोर्टेन्ट रिडियोटी तो आमर जो ग्रुप लर्निंग एडवांटेज कौन से पचार ग्रुप लर्निंग द्वारा कौन आम फायदा होमर कौन हम ना एनकरेजेस कोलाबरेसन पेतर कोलाबरेसनटा एनकरेज होपशन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लूम्स टेक्सोनोमी इनक्लूड्स ब्लूम्स टेक्सोनोमी आम जो रही बीएस ब्लूम रही टेक्सोनोमी कौन कौन इनक्लूड कौन रही पचार कतोटा कैटेगोरी इनक्लूड रही तो थ्री अच्छी फोर अच्छी फाइव अच्छी सिक्स अच्छी कतोटी कैटेगोरी इनक्लूड करना बीएस ब्लूम तर छी कैटेगोरी की इनक्लूड कर सिक्स कैटेगोरी इनक्लूड होती आपर फास्ट आप नॉलेज आसान कंप्रेहेंशन आप्लिकेसन आनालीसीस सिंथेसीस देन आपर इवालुएसन एग्जाम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहा ये क्वेश्चन ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम आसी पचार सब लोएस्ट लेयर आम कौटा रही ब्लूम्स टेक्सोनोमी आम नॉलेज अच्छी कंप्रेहेंशन आसपर आपर आप्लिकेसन आसपर आपर आनालीसीस आसपर आप सिंथेसिस इवालुएसन तो लास्ट कौट आसाम पचार इवालुएसन आसूप फोर्थ कौट आस पचार तो आम आनालीसीस आसू सेकेंड रे कंप्रेहेंशन आसू स्टार्टिंग आम कौन नॉलेज आसमी भी क्वेश्चन आपर पचारूँ इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय बा डेवलप्ड बाय से कौन आमर इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को किए डेवलप करते किए डेवलप करते यहाँ डेवलप करते किए आमर ना डेनियल गोलमैन डेवलप करते ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन 1983 1983 मसीह मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को यही थ्योरी को किए डेवलप करते यह डेवलप करते डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचर इज ट्राइंग टू ट्रेन हिज स्टूडेंट्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट तो देखो आमर मस्कुलर कही मांसपेशी उपर कही तो आप जानवे ये आपू लर्निंग सहित जाऊँगी मोटर लर्निंग मस्कुलर मांसपेशी मैंने मोटर लर्निंग सहित जड़ित ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिसलेक्सिया इज आसोसीएटेड विथ डिसलेक्सीटा क्या सहित आसोसीएटेड से पचार सहित संपर्कित डिसलेक्सिया आमर रीडिंग डिसऑर्डर सहित रिलेटेड अटे डिसलेक्सिया द्वारा आमर पठन अक्षमता रोचे बा पठन विकार रीडिंग डिसऑर्डर ऑप्शन नंबर सेकेंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिवार्ड्स कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू एनहांस अचीवमेंट इट इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन से कौन जे रिवार्ड द्वारा आम रिवार्ड गोटे इफेक्टिव टूल जहाँ द्वारा अचीवमेंट एनहांस कर पारिबा तो आमर जो रिवार्डटा आमर कौ टाइप मोटिवेशन से पचार मोडिफाई करके लंग करके पचार डायरेक्ट से पचार रिवार्ड आमर कौ टाइप मोटिवेशन तो रिवार्ड
आपण मानकर रिवार्ड होगा प्राइज होगा आपड़ा आप कौन ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर रिवार्ड प्राइज फ्रेज एगुड़ाक आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा एक्सटर्नल मोटिवेशन जहाँ को बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाए ऑप्शन नंबर सेकंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑथर ऑफ द बुक मेंटालिटी ऑफ एप्स इज रिटन बाय तो से कहे जे मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक ऑथर किए रचयिता किए तो मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक लिखिं किए यू लिखिं आप ओल्फ गैंग कोहलर किए लिखिं ओल्फ गैंग कोहलर लिखिं से आमर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दे आप जानते सुल्तान एप को लेकिन से कर सुल्तान एप आप ना शुनी इंपोर्टेंट रहा एग्जाम पर। नेक्स्ट रही द टर्म डेवलपमेंटल टास्क इज गिवन बाय डेवलपमेंटल टास्क टर्मटा किए देखते यहाँ देखते आप किए देखते ना हैविंग घर्स्ट देखते हैविंग घर्स्ट देखते ऑप्शन नंबर फोर हम करेक्ट आंसर हैविंग घर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फूड एंड स्लीप कम्स अंडर फूड एंड स्लीप क्या अंडर सेफ्टी नीड फिजियोलॉजिकल नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ना लव बिलोंगिंग आप जानते आप मानकर अब्राहम मास्लो अब्राहम मास्लो नीड हायरकी नीड ऑफ हायरकी देखते तो से आप मानकर सेफ्टी नीड फिजियोलॉजिकल नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लव बिलोंगिंग आप मानकर आसुची तो एथिरे आप मानकर फूड एंड स्लीपटा क्या अंडर फूड एंड स्लीप आप मानकर फिजियोलॉजिकल नीड रे आसुची फिजियोलॉजिकल नीड जहाँ कि प्राइमरी नीड से कौन कौन आ फूड आसीप आसान सेल्टर आसार आसटर आउ सेक्स से आसुची सेक्स सेक्स वाटर एयर सेल्टर ये सब आप फूड स्लीप ये सब गुड़ाक आप फिजियोलॉजिकल नीड रे आसुची एग्जाम पर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ ए चाइल्ड कौटा गोटे साइकोमोटर एक्टिविटी नुहे गोटे पिलार से पचार थिंकिंग राइटिंग थ्रोइंग ए बॉल प्लेइंग कौटा साइकोमोटर एक्टिविटी नुहे तो देखु आमर साइकोमोटर एक्टिविटी आमर कौन ना आमर मांसपेशी यूज हो मोटर सुनने मैंने यहाँ मांसपेशी यूज हो तो राइटिंग करवा लिखा तो आमर पेन पेन को हाथ में धरिकी लिखुं तो आमर ये मांसपेशी यूज हो प्लेइंग खेल द्वारा आम मांसपेशी यूज हो हाथ गोड़ आमर यूज हो बॉल गोटे थ्रो करवा बॉल हाथ में फोपाड़ तो आमर मांसपेशी यूज होनटा जगह मांसपेशी यूज एगुटा तीन टा जगह साइकोमोटर एक्टिविटी अटे किंतु थिंकिंग थिंकिंग भाविबा एटा हमर मेंटालिटी उपरे जाउछि एटा साइकोमोटर नो मेंटालिटी एक्टिविटी अटे तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर थिंकिंग इज नॉट ए साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ ए चाइल्ड ऑप्शन नंबर ए हिजबो करेक्ट आंसर थिंकिंग। तो आज लास्ट क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी रे कोटा जाउछि से पचारछि क्रिएटिविटी कौटा लीड करुच्छी इमोशनल थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग इगोस्टिक थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग तो आप क्रिएटिविटी आप मानकर डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित ही रिलेटेड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड अटे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फ्रेंड्स एथिरे आमे टोटली 50 क्वेश्चन डिस्कशन कले आप माने 50 रु केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे ता सहित आप मानकर जदि वीडियो टी भल लागछि ताले निहाती गोटे लाइक करिबे ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया संगे साथ मानको निहाती भाबे शेयर करिबे आ जो माने हम चैनल रे नुवा छन चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखत ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स सेकंड वीडियो आप माने आज ही रिलीज करु पब्लिश हे सीटा होड़िया पेड़ागोजी जहाँकि आप जेटी एंड ओटीटी एग्जाम पर इंपोर्टेंट ओड़िया पेड़ागोजी आम डिस्कशन करवा एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहा नेक्स्ट वीडियो होमर ओड़िया पेड़ागोजी। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।